तो देखिए कैसे हम 2 मिनट के भीतर झटपट हरी चटनी तैयार कर सकते हैं। Hey guys, welcome back to my channel, पंडिताइन की रसोई। आई होप आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपीज काफी पसंद आ रही होंगी और आप लोग मेरी रेसिपी वीडियोस को काफी लाइक कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी नवरात्रि चल रही है और घर पर सभी लोग नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि जब हम व्रत का खाना बनाते हैं तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन करता है। तो आज की हमारी रेसिपी है धनिया टमाटर की हरी चटनी, जिसे हम अपने व्रत के खाने के साथ खाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि व्रत की हरी चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टमाटर, 4 हरी मिर्च, सेंधा नमक, अदरक का एक टुकड़ा, जीरा और हरा धनिया। व्रत की हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम जार में टमाटर को काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर के 3 टुकड़े किए हैं। यहाँ पर हमारे टमाटर कट चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। अदरक को हमें छोटे टुकड़े कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे अदरक के 4 टुकड़े कर लिए हैं इस तरीके से। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च के हमें 2-2 टुकड़े कर लेने हैं, जिससे ये अच्छे से पिस सके। अगर आप पूरी हरी मिर्च ऐसे ही डाल देंगे तो ये पिस नहीं पाएगी और इसी तरीके से रह जाएगी जार में। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज्यादा मिर्च ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 मिर्च ली है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। ये देखिए हमने यहाँ पर धनिया को धोकर रख लिया था और हमें धनिया को एक बार इस तरीके से काट लेना है। तो यहाँ पर हमने सभी सब्जियों को काट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, सेंधा नमक स्वाद अनुसार। तो चटनी का सभी सामान रखने के बाद हम जार का ढक्कन लगाएंगे और उसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जार को सिर्फ 2 बार चलाना है, 5-5 सेकंड के लिए। ज्यादा बारीक चटनी नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमारी व्रत की हरी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी चटनी सर्व हो चुकी है। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं हरी मिर्च के टुकड़े। तो देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए कैसे हम 2 मिनट के भीतर झटपट हरी चटनी तैयार कर सकते हैं। आप इसे पकौड़ों के साथ, खिचड़ी के साथ, पूड़ी के साथ, जिस भी चीज के साथ खाना चाहे खा सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी के साथ जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार। There's something that'll give you relief. There's something that'll have a change.